व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो इस वीडियो में हम लोग रेलवे की जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा है उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है अजमेर का अखबार जिसमें रेलवे के एग्ज़ाम्स के बारे में दिया गया है। तो इसमें ये हेडिंग है कि रेलवे की परीक्षाएँ 28 मार्च से। तो रेलवे में गैर तकनीकी संवर्ग के 1252 पदों के लिए लिखित परीक्षाएँ 28 मार्च से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा पूरे देश में एक साथ आयोजित होगी। इसके लिए 351 शहरों में कुल 1191 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पद्धति से होगी और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। संभवतः ऑनलाइन टेस्ट की श्रेणी में देश की यह सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी। अजमेर के अध्यक्ष आर के जैन ने शुक्रवार को बताया कि इन पदों के लिए 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। जांच के बाद देश में अब 91,20,491 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। प्रवेश पत्र 1 सप्ताह में वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। परीक्षा 3 पारियों में होंगी। राजस्थान हरियाणा में 68 केंद्र, यहाँ ये दिया गया है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत आने वाले कुल 23 शहरों में 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें राजस्थान के 18 और हरियाणा के 5 शहर शामिल हैं। 100 प्रश्न, इसमें 90 मिनट टाइमिंग था। रेलवे के जो पैटर्न था एग्ज़ाम का उसमें, तो सीनियर क्लर्क, गुड्स गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस सहित अन्य पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा 1 घंटा 30 मिनट की होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाना है। इसके बाद देखें तो इसमें दिया गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे में 1369 पद। तो जैन ने जो रेल अजमेर जोन के जो अध्यक्ष हैं आर के जैन, उन्होंने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के तहत आने वाले उत्तर पश्चिम रेलवे में कुल 1389 रिक्त पद हैं। इन पर 6,95,510 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अलबत्ता अन्य रेलवे भर्ती बोर्ड के लगभग 70,000 अभ्यर्थियों ने राजस्थान में परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प भरे हैं। लिहाजा आरआरबी अजमेर में 763,367 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा देश भर में एक साथ आयोजित होगी, लेकिन पदों की संख्या के हिसाब से वरीयता सूची प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड की अलग अलग होगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है रेलवे के सभी अभ्यर्थियों के लिए, जिन जो जो इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं लगभग 1 साल से। और जैसे कि ये फॉर्म आया था मार्च 2018 में, तो बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में वेट कर रहे थे। तो आपकी ये लगभग तय हो गई है एग्ज़ाम डेट कि आपका 28 मार्च से एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो आगे की सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ। और अगर आपकी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जो इस वैकेंसी के एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे थे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।